इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सो हम जो कबाउ चैप्टर से जो क्विज किए थे उसका हम अभी आंसर देखेंगे, आंसर डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैं नाम लिख देता हूँ मेरा। फिर मैं विद्यालय का नाम लिख देता हूँ। फिर कक्षा का लिख देता हूँ मैं तीसरी। फिर विभाग ए, कक्षा क्रमांक में मेरा 0 डाल देता हूँ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, अवंती ने किसकी दुकान खोली? ऑप्शन ए पंचर लगाने वाली दुकान, ऑप्शन बी हलवाई के दुकान, ऑप्शन सी रंगाई के दुकान, ऑप्शन डी स्टेशनरी के दुकान। तो स्टूडेंट्स, अवंती ने किसकी दुकान खोली थी? यस, अवंती ने रंगाई की दुकान खोली थी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। सो रंगाई की दुकान। क्वेश्चन नंबर 2, सेठ को किस पर ईर्ष्या महसूस होने लगी? ऑप्शन ए अवंती के रूप को देखकर, ऑप्शन बी अवंती के दौलत को देखकर, ऑप्शन सी अवंती के जमीन देखकर, ऑप्शन डी अवंती की प्रशंसा सुनकर। तो सेठ को किस पर ईर्ष्या महसूस होने लगी? अवंती की प्रशंसा सुनकर। गांव वाले जो प्रशंसा किए अवंती के, तो अवंती की प्रशंसा सुनकर सेठ पर ईर्ष्या, सेठ को ईर्ष्या आ गई अवंती के ऊपर। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, अवंती की प्रशंसा सुनकर। क्वेश्चन नंबर 3, सेठ ने किस रंग से कपड़ा रंगवाने को कहा? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी किसी भी रंग उसे पसंद नहीं था। सेठ ने किस रंग से कपड़ा रंगवाने को कहा? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, किसी भी रंग उसे पसंद नहीं था। क्वेश्चन नंबर फोर, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया? ऑप्शन ए सोमवार, ऑप्शन बी बुधवार, ऑप्शन सी शनिवार, ऑप्शन डी किसी भी दिन नहीं आया। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया? यस, किसी भी दिन नहीं आया। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन 5, इस कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आर एस त्रिपाठी, ऑप्शन बी गिरिजा रानी अस्थाना, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी तारा निगम। तो बच्चों, कहानी के लेखक कौन है? कबाऊ कहानी के लेखक, यस आर एस त्रिपाठी। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, कहानी के लेखक है आर एस त्रिपाठी। फिर क्वेश्चन 6, ईर्ष्या का समानार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन 1 बुलंद, ऑप्शन 2 जलन, ऑप्शन 3 जरूर, ऑप्शन 4 छुटकारा। तो ईर्ष्या का समान शब्द क्या है? यस जलन है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, जलन। फिर क्वेश्चन 7, मुहावरा को पूरी करो। डेस अंधेरा, ऑप्शन ए आस्तीन का, ऑप्शन बी दिया तले, ऑप्शन सी घर के पीछे, ऑप्शन डी दिया के ऊपर। सो क्या होगा यहाँ पे? यस, दिया तले अंधेरा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। फिर क्वेश्चन 8, कौन सी शब्द अलग है? ऑप्शन ए रंगाई, ऑप्शन बी बुनाई, ऑप्शन सी धोना, ऑप्शन डी धुलाई। तो बच्चों, यहाँ पे कौन सा शब्द अलग है? रंगाई, बुनाई, धुलाई, ये सब एक क्लास में आते हैं, और धोना वो अलग सा क्लास में आता है। तो धोना यहाँ पे अलग हो जाएगा। धोना एक काम का नाम है, रंगाई बुनाई धुलाई ये भी काम का नाम है, लेकिन यहाँ पे आई प्रत्यय आई है, और यहाँ पे धोना, तो ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 9, कतई का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए इरादा, ऑप्शन बी विशेष, ऑप्शन सी बिल्कुल, ऑप्शन डी जलन। तो कतई का मतलब क्या होता है? यस, बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर, कतई का मतलब है बिल्कुल। फिर क्वेश्चन नंबर 10, आखिर क्वेश्चन है क्विज का, जवाब का विलंब शब्द क्या है? ऑप्शन ए जल्दी, ऑप्शन बी सवाल, ऑप्शन सी खुला, ऑप्शन डी अंत। तो जवाब का विलंब शब्द क्या है? जवाब का विलंब शब्द है सवाल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। तो अभी हम क्विज सबमिट करेंगे, सबमिट, और अपना व्यू स्कोर करेंगे, कितना हमारा स्कोर आया। तो हमारा स्कोर आया 10 आउट ऑफ 10।
तो हम जो भी एंट्रीज किए सभी करेक्ट है। थैंक यू।